नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, टॉपिक है, वो एक क्वेश्चन पर ही आधारित है। और क्वेश्चन वो है कि जो हम डेली कोर्ट की प्रोसीडिंग देखते हैं, जो हमारे मुकदमे देखते हैं फैमिली कोर्ट से संबंधित, और जो पारिवारिक मामले हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। तो सोचा कि इस क्वेश्चन से एक पूरा एक्सप्लेन करके वीडियो बना के जिनका भी क्वेश्चन है उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और काफ़ी लोगों के काम भी आएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको सुनाता हूँ, तो उसका फिर मैं आपको आंसर दूंगा। सर, मेरा जो पत्नी है वो एक लड़के के साथ भाग गई है, बहला फुसला कर उसको भगा के ले गया है, और मेरी वाइफ उनका साथ उन्हीं के साथ रहना चाहती है। सर, ठीक है, लड़की नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता हूँ? दोस्तों, अब मैं दो तीन एग्जाम्पल के तरीके से जो फंडा है राइट्स का, इसका ज़रा क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। देखिए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर फादर पर होती है। अगर बच्चे कोई गलती करते हैं तो माँ बाप को बुलाया जाता है, अगर वो नाबालिग है। अगर नाबालिग का कोई एफिडेविट भी कोर्ट में वैलिड नहीं होता क्योंकि उसको राइट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है अधिकारों की, राइट्स की। अब जो इस क्वेश्चन पे जो आगे हम चलते हैं, सबसे पहली बात है जो माँ बाप है, अगर कोई छोटा बच्चा है 17-18 साल का जो नाबालिग की कैटेगरी में आता है, उसके साथ अगर कोई भी हादसा या कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं कि अपने के मेरा बेटा का नाम ये है, मेरी मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और वो किसी ने किडनैप कर ली है या किसी को इसको भगा के ले गया है, तो यानी जो राइट है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का माँ बाप का है कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करा सकें जिसने उसके बच्चे को नुकसान पहुँचाया है। अब दोस्तों, आगे इससे बढ़ते हैं। अब बात जहाँ पति पत्नी की आती है, तो पति कोई भी अगर डॉक्यूमेंट साइन करता है, लोन लेता है, किसी भी चीज़ में एक उसको अधिकार देने होते हैं तो अपनी वाइफ को देता है, यानी नॉमिनी अपनी वाइफ को बनाता है। यानी अगर उसके पति पत्नी अगर माँ बाप एक्सपायर हो जाते हैं तो सारे जो राइट्स हैं वो मियाँ बीवी के पास आ जाते हैं। अगर पति को कुछ हो जाता है तो उसके जो सारे अधिकार हैं वो पत्नी के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी उसकी प्रॉपर्टी में जो सारा हिस्सेदारी है वो पत्नी के नाम आ जाएगी क्योंकि उसकी वारिसान वो ही हैं। अब दोस्तों, अगर आपकी पत्नी, चलो सोच लेते हैं कि वो गुम हो जाती हैं, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, तब भी आप पति होने के नाते पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनके खिलाफ कंप्लेंट कराएंगे जिन्होंने आपकी पत्नी के साथ बदतमीजी की है या उनको चोट पहुंचाई है, और या गुम हो गई है। अगर वो गुम भी हो जाती हैं तब भी आप दरख्वास्त देंगे कि मेरा नाम ये, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरी पत्नी ये कद काठी है और इतने टाइम से लापता है। तब भी एक पति होने के बाद अधिकार आपका ही बनता है अपनी पति की, पत्नी की सुरक्षा के लिए कोई भी दरखास्त थाने में आके दें। अब दोस्तों, अगर जहां बात आती है डिस्प्यूट की, अब पत्नी चली जाती है किसी और के साथ, तो उस कंडीशन में पति क्या करेगा? देखिए, कोई किसी को जबरदस्ती तो अपने साथ रख नहीं सकता। अगर कोई रिश्ते हैं वो प्यार से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती से नहीं निभाए जा सकते। अगर पत्नी किसी और के साथ चली जाती है, भाग जाती है, तो पति उस कंडीशन में क्या करे? दोस्तों, सबसे पहले जो अधिकार आपके सही संबंध सही होने पे थे, वही अधिकार आपके खराब होने के बाद भी बने रहेंगे। अगर आपकी पत्नी किसी के साथ भाग जाती है या उसको को भगा के ले जाता है या बहला फुसला के ले जाता है, तो आपका जो सबसे पहला काम है वो है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो जिसने ये काम किया है उसके खिलाफ आप थाने में जाके, अगर नाम पता है तो बाय नेम कंप्लेंट करें। पुलिस उस कंडीशन में मुकदमा दर्ज करेगी कि किडनैपिंग का मामला है। अगर लड़की ये अगर चलो मान लेते हैं कि वो अपनी मर्जी से गई है, लेकिन पुलिस तब भी जो आपका अधिकार है उसके तहत मुकदमा रजिस्टर करेगी, लड़की की बरामदगी करेगी और उसको कोर्ट में भी पेश करेगी। बेशक वहाँ आके वो कह दे जी मैं तो अपनी मर्जी से इस लड़के के साथ गई थी, ये मुझे भगा के नहीं ले गया था, लेकिन दोस्तों वो जो सरकारी रिकॉर्ड है वो भविष्य में आपके काम आएगा। अगर आप उसे लीगली डिवोर्स भी लेना चाहेंगे
तब भी तो वो रिकॉर्ड आपके काम आएगा। आप उसकी भगाने वाली बात को आप कैसे साबित करोगे किसी और के साथ बाहर कही हो? तो वो जो आप कंप्लेंट कराएंगे पुलिस स्टेशन के अंदर, अगर पुलिस उसको फोन करके बुला ले, भाई आ जाओ आपके खिलाफ कंप्लेंट आ रखी है, तब भी वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो की जाएगी आपकी कि मैं, मुझे कोई भगा के नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तब भी एक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड आपके लिए जनरेट हो जाएगा। कुछ दोस्तों, कुछ केसों में ऐसा होता है कि लड़की किसी के साथ भाग जाती है और लड़का डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है, लेकिन उसकी सर्विस नहीं हो पाती, वो लड़की आती नहीं है, तो उस कंडीशन में अगर एक्स पार्टी डिवोर्स भी अगर लड़के को लेना हो, तो ऐसा कोई आधार नहीं मिलता इसके बिहाफ पे वो डिवोर्स ले सके। बर्बली बातों को कोर्ट नहीं मानता। अगर वो लड़की भागी है किसी के साथ भी, तो आप उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जरूर दें। बेशक आप वो अपनी मर्जी से गई हो, लेकिन वहाँ पे वो रिकॉर्ड, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ गई हूँ, मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं लेके आया। तो वो स्टेटमेंट भी आपके फेवर की होगी, डिवोर्स के टाइम में काम आएगी। इसलिए अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने खड़ी होती है, तो सबसे पहला काम जो आपका रहेगा वो आपको कंप्लेंट देने का है, जिससे आप भविष्य में उसका फायदा उठा सकें, उसको एज ए प्रूफ कोर्ट में यूज कर सकें डिवोर्स के टाइम पे। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।